हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड मैं आप सबके साथ शेयर करूं, पर उससे पहले मैं सुपर थैंक्स देने वालों के नेम्स शाउट आउट करना चाहूंगी, उन सब की तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूंगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है नेचर ब्यूटी। थैंक यू सो मच नेचर ब्यूटी, थैंक्स अलॉट। लता जोशी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। नारायण छेत्री, थैंक यू वंस अगेन। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अलॉट। निमिषा जुशी बिजनेस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। उमेश पंडित, थैंक यू। राजलाल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। शिरीष देश पांडे, थैंक यू वंस अगेन। 1YV31, थैंक यू सो मच। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू। मेहता भावेश, थैंक यू। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो वंस अगेन, थैंक यू। अनुजा वी शर्मा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। 8BT4V, थैंक यू। लता वर्सटाइल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो आप सब ने मुझे सुपर थैंक्स देकर अपने जीवन में अपार धन को मैनिफेस्ट किया है। आपने यूनिवर्स को ये मैसेज भेजा है कि आप संपन्न हैं, ठीक है, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी तरफ ये जो अमाउंट आपने मेरे लिए भेजा है ये 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं, एंड आपके जीवन में अपार धन वर्षा होगी। ठीक है, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। आपकी तरफ मैं ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो और आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, मेरे डिवाइन फैमिली मेंबर्स की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, राइट? आप सब की तरफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। फ्रेंड्स, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, किसी बात की आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, या तो अपने पेट्स की आपको चिंता है या अपने लव्ड वंस की आपको चिंता है, सो कुछ मैं कंसर्न आपके आसपास देख रही हूँ, ठीक है, कुछ बहुत वरिड हैं आप किसी बात को लेकर के। तो जिस चीज़ की फ़िलहाल आप चिंता कर रहे हैं, आपने हो सकता है ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। सो आपको स्पिरिट्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डर वाली वाइब्रेशन में नहीं रहना है, ठीक है, आपको निडर रहना है। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, हर उस स्पिरिचुअल अटैक को वो बैकफायर कर रहे हैं जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। आप अनटच्ड हैं पूरी तरह से उन चीज़ों से, राइट? सो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो चाहती हैं कि आप डर वाली वाइब्रेशन में जाओ, आपको किसी तरह का कुछ चिंता रहे, भय रहे, डर रहे, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन लो होगी और आपके ऊपर अटैक किया जा सकेगा, राइट? आप एक ऐसे पर्सन हो जो मोस्टली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हो, आपकी एनर्जी को किसी भी तरह का स्पेल वर्क टच नहीं कर पाता है, तो आपको निडर रहना है, निश्चिंत रहना है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम हमारी बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ हमसे दूर हो जाती है, सो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ नश्वर है, ठीक है। सो किसी भी चीज़ को खोने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। निडरता का भाव जब तक आपके अंदर है, तब तक आप हाई वाइब्रेशन पर हैं एंड आप डेफिनेटली निडर हैं, आपके अंदर किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं है। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये आपको लोअर वाइब्रेशन में खींचना चाहती हैं। आपकी लाइफ में जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, जो आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, एक हो सकता है उन्होंने गैंग अप किया हो आपके अगेंस्ट एक ग्रुप बना रखा हो। मुझे दिख रहा है 3 पीपल, ठीक है, 3 लोग हैं ये। सो कोई भी 3 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र वगैरह रचते रहते हैं, राइट? सो ये लोग चाहते हैं कि आपको डर फील हो, आपके अंदर डर को इम्पार्ट करना चाहते हैं ये लोग, राइट? और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा रोए हों, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हों, लेकिन आप वो चीज़ किसी से जाहिर नहीं करते हैं। आपको अपना दुख किसी को बताना पसंद नहीं है, आपको अपने दुख को शेयर करना पसंद नहीं है, आप हैप्पीनेस शेयर करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। आप नेचुरली ब्लेस्ड पर्सन हैं, ठीक है, आपके साथ ब्लेसिंग्स चलती हैं,
ईश्वर की, और इतना ही नहीं आपके अंदर उन्हीं की ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है, उन्हीं की छाया है आप पर, ठीक है, आपके आप उनके फेवरेट हैं, आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा है, ठीक है, उनकी एनर्जी रिसाइड करती है आपके अंदर, है ना। पॉसिबल है कि आपने उनका नाम इतनी बार लिया है कि अब आपने उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर लिया है अपने अंदर, हो सकता है आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो आपको निडर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी चिंता है उसको त्याग दीजिए मन से, किसी भी तरह की आप चिंता में मत रहिए। सो आपको निश्चिंत रहना है, निडर रहना है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है स्पिरिट्स की तरफ से। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ओके। सो यस, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है, उनकी बात को आपको अनदेखा नहीं करना है, आपको निडर रहना है, ठीक है। आपके अंदर भय का एक कण भी नहीं आ सकता, राइट। सो यस, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, आगे बढ़े, मैं आपको हीलिंग्स सेंड कर रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपके जीवन में जिस भी तरह की कोई चिंता है, कोई भी दुख है, ठीक है, जो आपको बार बार कंसर्न कर रहा है, बहुत चिंतित कर रहा है, आपकी वो चिंता दूर हो, ठीक है, आपका वो कंसर्न दूर हो, आपके जीवन में हीलिंग आए। और अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके आभामंडल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हो तो वो बैकफायर हो, वापस जाकर वहीं गिरे जहाँ से वो आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। जिस किसी ने भी ऐसी कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी हो, 100 गुना और मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर अटैक किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या सो आज हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव, ओके। आपको हो सकता है अपने क्राउन चक्रा पे वाइब्रेशन फील होती हो, अपने आज्ञा चक्र पे आपको वाइब्रेशन फील होती हो, थर्ड आई चक्रा पे वाइब्रेशन फील होती हो, ठीक है। या यू आर अ हीलर, आप एक हीलर हैं, है ना, आप हीलिंग्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, आप एक नेचुरल हीलर हैं, ठीक है, बॉर्न हीलर हैं आप। आपके प्रेजेंस में सिर्फ आपकी प्रेजेंस लोगों को हीलिंग्स देती है, ठीक है, लोग हील हो जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है अपने आप, ठीक है, लोगों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं आपकी प्रेजेंस से। या लेकिन आपको अपनी इस ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है, अपनी इस ऊर्जा को रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। रिलैक्स करिए, रिचार्ज करिए, ओवरवर्क मत करिए, है ना। ऑनर योर सेंसिटिविटी, आप बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, जब आप भीड़ में होते हैं, तरह तरह के लोगों के बीच में होते हैं, तो आपको बहुत उलझन होती है, अलग अलग टाइप की वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, कोई नेगेटिव माइंडसेट में है, कोई पॉजिटिव माइंडसेट में है, तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, ठीक है। आप बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, आप एनर्जी एब्जॉर्बेंट हैं, एम्पैथ हैं, है ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। और आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करिए, ऑनर करिए। आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को रिट्रीट करना है, रिचार्ज करना है, ओके। थोड़ा रेस्ट करिए, रिजुविनेट करिए, रिट्रीट करिए, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, यस डेफिनेटली। सो आपकी जो लाइट है ना, वो दूसरों को सपोर्ट करती है, दूसरों को हील करती है। सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने आप को हीलिंग देने के लिए। आप ज़्यादा समय नेचर में बिता सकते हैं, ग्रीन कलर के आसपास आपको ज़्यादा रहना है, ठीक है। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स वगैरह आपको खानी है, एंड अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर के कपड़े वगैरह भी पहन सकते हैं। तो आप एक हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं, ओके। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, या कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ होगा।
सो आपको उस ड्रामा, जो लड़ाई झगड़े हैं ना, जो न्यूसेंस है, उससे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने मार्ग को आपको खुद प्रशस्त करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने विचारों पर आप ध्यान दीजिए, कहीं आप कोई गलत विचार तो नहीं मन में ला रहे हो, ठीक है। कोई फालतू के विचार तो आपके मन में नहीं आ रहे हैं जिनकी वजह से ड्रामा क्रिएट हो रहा है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी गलत विचार अपने मन में नहीं आने देना है। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। या सो आपको जीवन में जो चीज़ चाहिए, जो आप डिज़ायर करते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो आपकी, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लेकिन आपको अपना फोकस सेट रखना है, राइट। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ये चीज़ कही जा रही है आपको। सो आपको अपने फोकस को सेट रखना है और पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, राइट। रेस्ट करना है, हील करना है अपनी एनर्जी को। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। या पॉसिबल है कि आपका सेक्रल चक्र बहुत एक्टिव है, ठीक है, एंड आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। आपकी तरफ हो सकता है बहुत यू नो मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं, राइट। सो यस, डेफिनेटली आपका जो सेक्रल चक्र है वो अच्छे से एक्टिव है, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, ये मैसेज आया है यहाँ पे। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है, क्या लेट्स सी स्पिरिट्स और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है ये स्पिरिट्स? डू नॉट गिव अप, ठीक है, गिव अप मत करिएगा। हो सकता है आपके रास्ते में यू नो अटैक, या पॉसिबल है आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है, स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है, राइट। आपके रास्ते में अड़चने क्रिएट करी जा रही हैं, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है, डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है। नंबर 7 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर स्पिरिट्स। आपको गिव अप नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, ठीक है, निडर रहना है। जो निडरता और बहादुरी आपके अंदर है, ठीक है, आपको उस चीज़ को अपने अंदर कायम रखना है, ठीक है, पूरी तरह से निडर रहिए। ओके, यस, डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि यहाँ पे आपके, या डेफिनेटली सी राइट, कुछ हिडन है, ठीक है। आपके पीठ पीछे किसी तरह का कुछ यू नो स्पेल वर्क किया जा रहा है, कुछ अटैक्स किए जा रहे हैं आपकी तरफ, जो चीज़ें आपसे हिडन हैं, ठीक है, आपसे छिपी हुई हैं। पॉसिबल है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपसे इमोशनली अटैच्ड नहीं हैं, ठीक है, उनके मन में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है। सो ऐसे लोग आपकी तरफ ये चीज़ भेज रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उन लोगों के द्वारा करी गई जो भी स्पेल वर्क है, ठीक है, जो भी अटैक्स वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो आशीर्वाद में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा वो आपकी तरफ अटैक्स भेजेंगे, उतनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पे ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, राइट। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके प्रिय हैं और आप एक लाइट वर्कर हैं। ये आप ईश्वर की लाइट को कैरी करते हैं, ठीक है, जो ईश्वर की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, जो जिस दिव्य ऊर्जा की मैं बात करती हूँ, जो आपने धारण करी हुई है, ठीक है, आप उसको कैरी कर रहे हैं और आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, है ना, लोगों को हीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन है इन लोगों के अंदर। आपकी जो वो लाइट है ना, जो ईश्वर का जो प्रकाश है, उससे इन लोगों की आंखें फूटने लगती हैं, ठीक है, चौंधिया रही हैं, जिसकी वजह से ये आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, है ना। लेकिन आप स्टार हैं, ठीक है, आपके अंदर स्टार पावर्स हैं,
आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य शक्तियाँ हैं, बहुत जल्द कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। आप एक लाइट वर्कर हैं, पॉसिबल है कि आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ चलती है, राइट? डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप पूरी तरह से हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं और आप हैप्पीनेस को इंजॉय करने के लिए ही इस धरती पर भेजे गए हैं, ठीक है? पास्ट में हो सकता है आपने आपकी लाइफ का जो आधा पार्ट है ना, वो दुखों से घिरा रहा है, बहुत टफ टाइम आपने झेला है, या लेकिन अब समय आ चुका है आपका हैप्पीनेस को इंजॉय करने का, जिसमें ये लोग अड़चने लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे झूठा प्यार दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन इनके मन में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार का ढोंग करते हैं, ठीक है, वो आपको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, वो आपको लेकर के एक धारणा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, कि आप अच्छे हो कि खराब हो। आपके बारे में अपने जो जिस रंग का चश्मा उन्होंने पहना हुआ है ना, नीला चश्मा, लाल चश्मा, वो अपने चश्मे से ही आपको उसी रंग का देखते हैं, ठीक है? सो ये उनका अपना चश्मा है, उनके खुद के परसेप्शंस हैं जो वो आपके बारे में बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे हैप्पीनेस को इंजॉय करने के लिए आए हैं, इस धरती पर आपको हैप्पीनेस को इंजॉय करने के लिए भेजा गया है। मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस में ढकेला गया, ठीक है? ये पास्ट एनर्जी है, आपने लोवेस्ट पॉइंट को हिट किया है अपनी लाइफ के, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा रातों को आपको नींद नहीं आती थी, ठीक है? यस, आपको बहुत नेगेटिव माइंडसेट में डालने की कोशिश करी है इन लोगों ने, आपको इनसिक्योरिटीज़ में ट्रैप करने की कोशिश करी है, ठीक है? इस तरह की नेगेटिव सोच इन लोगों ने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी है। या सो आई एम लिसनिंग, अगर आपको कहीं पर भी 9/11 दिखता है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, या हो सकता है कोई रो रहा है, ठीक है? मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि somebody is crying, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत पेन में हैं, अचानक से बोलते बोलते मेरी आँखों में पानी आ गया, आई डोंट नो क्यों, बट आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं, बहुत चिंता में हैं, राइट? आप चिंता में हैं लेकिन आप फिर भी ना रुकेंगे ना थकेंगे, ठीक है? आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपको स्पिरिट्स यही चीज़ बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते रहिए। स्पिरिट्स आपकी पूरी मदद कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं लोग, उसको अनब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है? आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट गाइड्स चलते हैं। सो जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, ठीक है? बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपने बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल करी हैं, ठीक है? हो सकता है आपने किसी तरह की कोई तपस्या वगैरह करी हो, कोई जाप ध्यान वगैरह किया हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपने तपस्या की है एंड मुझे दिख रहा है कि ईश्वर भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं आपको हैप्पीनेस देना। तो किसी की क्या मजाल है कि आपसे जलन की वजह से आपके आपसे आपका अधिकार छीने, राइट? सो इस तरह के लोग हैं जो बेवजह आपको परेशान करते हैं, अपने कर्म खराब करते हैं आपको परेशान करके, बजाय कि अपने कर्म सुधारने के, बजाय कि अच्छे कर्म आपसे इंस्पायर होके कुछ अच्छे कर्म करने के, ठीक है? जलन की वजह से वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, उल्टा आपके लिए वो ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जाता है। सो आपके लिए वो चीज़ ट्रांसम्यूट हो जाती है, ठीक है? परिवर्तित हो जाती है जैसे ही वो चीज़ आपके आभा मंडल के आसपास आती है, ठीक है? आपके ऑरा के आसपास आती है तो वो चीज़ ट्रांसम्यूट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जो भी उस व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बैकफायर कर दिए जाते हैं, ठीक है? उसके थॉट्स उसके पास वापस भेज दिए जाते हैं और उसी के जीवन में उन चीज़ों का प्रभाव दिखता है, ठीक है? सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली मल्टीप्लाइड इनटू 100, बहुत ज़्यादा पावरफुल तरह से उस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया जाए जिस किसी ने भी ये स्पेल वर्क किया हो। सेंड इट बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100, बहुत ज़्यादा पावरफुल तरह से उसके ऊपर अटैक किया जाए, या राइट? सो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं, या सो स्पिरिट से यहाँ पे एक और मैसेज दे रहे हैं कि कोई आपसे
आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, किसी को आप पर क्रश है, ठीक है, कोई आपको बहुत पसंद करता है, या और वो चीज़, वो ये चीज़ हाइड रखते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ये चीज़ बताई नहीं है, हिडन है ये, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने आपसे बताई नहीं है। वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं लेकिन वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ जाहिर नहीं करते हैं आपसे, हिडन लव, ओके, सो वो सीक्रेटली आपको, या सो वो सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते हैं और ये चीज़ वो आपसे हाइड करते हैं, ठीक है, छिपाते हैं। फिलहाल वो बहुत उदास हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपके बिना उनकी पूरी लाइफ, यू नो, एज इफ यू नो, जैसे कि उनके जीवन से सूर्य को हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दिया गया हो, इस तरह की ज़िंदगी हो गई है उनकी आपके बिना, ठीक है, तो आप उनकी ज़िंदगी के लिए यू नो सूर्य हैं एंड या प्रकाश हैं उनके लिए। सो बहुत अपसेट हैं वो, उनको लाइफ में जो कुछ भी मिला है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, आपको ना पाके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सो उनकी तरफ से भी यहाँ पे कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आया है, राइट, या सो मैं आपको राशियाँ एक बार बता देती हूँ। कर्क राशि है यहाँ पे, कुंभ राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, या सो ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे, ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे अपने पुण्य को भोगने के लिए आए हैं, ठीक है, इस संसार में आप हैप्पी रहने के लिए आए हैं और किसी की कोई मजाल नहीं है, क्योंकि आपके जो पुण्य है ना उनका उदय हो चुका है, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी का नाम हो उदय, बिकॉज यहाँ पे ये नेम चैनलाइज्ड हुआ है, तो आपके पुण्यों का उदय हो चुका है, अब आपके पुण्य यू नो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ भी अच्छे कर्मा आपने करे हुए हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम सब जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, राइट, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल चखने वाला है, राइट, सो आपने बहुत अच्छे कर्म कमाए हुए हैं या बहुत सारा पुण्य आपने इकट्ठा किया है, ठीक है, और वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है, बिकॉज ये आपका हार्वेस्ट टाइम है, ठीक है, आपने जो फसल बोई है अब आप उसको काटने वाले हैं, राइट, या काट रहे हैं, ठीक है, आप उस फसल को काट रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं, कुछ ऐसे जलने वाले लोग हैं जो आपके जीवन में यू नो बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपका आभामंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो परिवर्तित कर देता है, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा को आपके आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो वो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो आपकी तरफ जितने ज़्यादा अटैक करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप और संपन्न होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा आपके आशीर्वाद में बढ़ोतरी होगी, एक तो आपको ऑलरेडी आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, ओवरफ्लोइंग लव है, ठीक है, ओवरफ्लोइंग आशीर्वाद है, नेवर एंडिंग आशीर्वाद है, कभी ना समाप्त होने वाला आशीर्वाद है, इतना ज़्यादा पुण्य आपने कमाया हुआ है, या और उसको आपको डेफिनेटली भोगना भी है, सो यस, बहुत सारी लग्जरी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत संपन्न व्यक्ति आप हैं, ठीक है, आपके जीवन में जानबूझकर दुख वगैरह भेजते हैं लोग, आपको लो वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नेचुरली हाई वाइब्रेशनल व्यक्ति हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो हाई वाइब्रेशनल है, ठीक है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है, हो सकता है आप किसी यू नो पास्ट में कोई संत महात्मा रहे हों, कोई देवी देवता रहे हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान तपस्या करी है, उनका इनकार्नेशन हो आप, ठीक है, उनका पुनर्जन्म हो आप, सो बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ओल्ड सोल हो आप, बहुत पुरानी आत्मा हो आप, बहुत ज्ञानी आत्मा हो आप, ठीक है, आपने बहुत सारी लाइफ को यू नो देखा है, आप कई बार जन्मे हो और पॉसिबल है ये आपका लास्ट जन्म है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, यू रियलाइज योर मिस्टेक, या सो हो सकता है आपको अपनी कोई मिस्टेक रियलाइज हुई है, ठीक है, कोई गलती आपसे जो हो रही थी वो गलती आपको यू नो पता चली है, यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, ठीक है, आपको सेल्फ लव आ रहा है, सेल्फ लव लर्न कर रहे हैं आप, हैप्पी बर्थडे, सो आप में से अगर किसी का बर्थडे है तो स्पिरिट्स आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, ठीक है, एंजल्स की तरफ से आपको विश किया जा रहा है, बर्थडे विश, गॉडेस लक्ष्मी इज़ विद यू फॉर एवर, ओके, या
सो मैंने आपको बताया ना कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, ओवरफ्लोइंग लव है। सो स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला हुआ है आपको, ठीक है, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। वॉन्टेड टू स्टील योर एनर्जी, यस। सो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराना चाहते हैं, आपके भाग्य को चुराना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य से आपके भाग्य को एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये असंभव है। सो ये जो भी उनके भाव हैं, ये उनके पास वापस लौटा दिए जाए, 100 times मल्टीप्लाई करके उनकी तरफ इन चीज़ों को भेजा जाए, इन नकारात्मक चीज़ों को भेजा जाए, ठीक है, और उनके ऊपर प्रहार हो या और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या जो भी नेगेटिव व्यक्ति मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा को चुराना चाह रहा है उसको पनिश किया जाए राइट अवे, इंस्टेंट कर्मा मिलना चाहिए उस दुष्ट व्यक्ति को। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज, सी। सो आप अपने हेटर्स और एनिमीज को शॉक करने वाले हैं, ठीक है, आपके हेटर्स और एनिमीज शॉक हो जाएंगे, दे विल बी शॉक्ड, या ट्रांसफर। सी मैंने आपको बोला ना कि वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपनी नकारात्मक ऊर्जा को, आपके अंदर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, उसको अपने अंदर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कुछ ट्रांसफरेशन चाहते हो, या सो आपको किसी का भी कुछ ऐसे दिया हुआ खाना नहीं है, ठीक है, या सो बहुत सोच समझ कर आपको किसी पर विश्वास करना है, ठीक है, हर किसी की दी हुई चीज़ आपको खानी नहीं है, एंड किसी को अपनी प्लेट से भी आपको खाने नहीं देना है, ठीक है, वो एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनके इंटेंशंस इस टाइप के हैं। यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज, सी। सो वाइन जैसे जैसे पुरानी होती है और ज़्यादा प्रेशियस हो जाती है, और ज़्यादा कीमती हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो आप उसी तरह से और ज़्यादा कीमती होते जा रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते जा रहे हैं, आपकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस होती जा रही है। हो सकता है आपको देख करके आपकी एज का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है, सो वैसा कुछ हो रहा है आपके साथ, ठीक है। एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलसी, मैं बता रही हूँ ना, मैंने आपको बताया ना, जलने वाले आपके आसपास बहुत हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, मैंने बताया ना, आपके जो एनिमीज हैं वो मर रहे हैं, जल रहे हैं, और जलकर अपनी ही जलन में वो भस्म होने वाले हैं, ठीक है, उनको उनके किए की सजा मिलने वाली है, उनको इंस्टेंट कर्मा मिलने वाला है, या अपने गंदे कर्मों का फल उनको भोगना पड़ेगा। हेटर्स का गेम ओवर, मैंने बताया ना उनका गेम ओवर हो चुका है, ठीक है, अब वो जल जल के बस अपनी जलन में ही भस्म होने वाले हैं, ओके, या सो आई एम लिसनिंग, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आ रही हैं, किसी को बहुत डकार वगैरह ज़्यादा आ रही है, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा बर्ब्स आ रही हैं, सो ये एक पॉजिटिव साइन है, आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो उसको बैकफायर किया जा रहा है, अगर आपको बर्ब्स आ रही हैं या कुछ डकार वगैरह आ रही है तो ये पॉजिटिव साइन है, राइट, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, लिक्विड्स ज़्यादा लीजिए, ये चीज़ बोली जा रही है, ओके। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, या सो बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपके अराउंड नर्वस फील करते हैं, हेटर्स ये चीज़ सोच रहे हैं कि वो आपका सामना कैसे करेंगे, हेटर्स की जो करतूतें हैं ना वो आपके सामने आ चुकी हैं, और उनको ये पता है कि आप उनकी हर एक हरकत को जानते हैं, ठीक है, आपने आप उनको पूरा स्कैन कर चुके हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप उनको ईजिली रीड कर लेते हैं, ठीक है, सो इस चीज़ से वो डरते हैं, वो नर्वस फील करते हैं आपके अराउंड, या उनको डर लगता है, कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहाँ से वो आया है, या यस, और इसमें एक लाइन और ऐड होनी चाहिए कि जिस किसी ने भी ये काला जादू आपकी तरफ भेजा होगा, ठीक है, उसकी खाल खींचकर भूसा भर दिया जाएगा, ठीक है, सो सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली 100 times मल्टीप्लाई करके, यस, बहुत ज़्यादा पावरफुली अटैक करिए, या जो भी नेगेटिविटी हो उसको बैकफायर करिए, या जेलस मेल,
कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, जलन है उसके अंदर. कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है. हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कन्फर्मेशन, सुनिए ठीक है. हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आपकी, नेचुरली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आप, ठीक है. आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है. आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया, ठीक है. उन्होंने आपके हार्ट चक्र को अटैक किया है बार बार, राइट. यू नो आपके हार्ट चक्र को अटैक किया गया बार 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 बार, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप अबैंडन्ड हो जाएंगे, ठीक है. आपको कोई धोखा दे देगा, धोखे का डर आपके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करी, या किसी चीज़ को खोने का डर आपके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करी, ठीक है. तो किसी प्रकार का डर इन लोगों ने आपके अंदर यू नो इम्पार्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि इनको पता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, राइट. इनको आपकी ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है. इनको पता है कि आप दिव्य हैं, बट ये लोग आपकी ऊर्जा को चुरा कर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, ठीक है. इनको प्रॉब्लम है आपकी दिव्यता से, ठीक है. आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा वास करती है ना, उससे. लेकिन ये इतने बेवकूफ लोग कैसे हो सकते हैं दुनिया में? मतलब इनको ये पता है कि ईश्वर से टकरा रहे हैं ये, ठीक है. ईश्वर की ऊर्जा से टकरा रहे हैं, उसको चुराने की कोशिश करें. ईश्वर की ऊर्जा को कोई चुरा सकता है क्या? उसको कमाया जाता है, ठीक है. ईश्वर की ऊर्जा को कमाया जाता है. आप अपने पुण्यों से उसको कमाते हैं. जब आप पुण्य करते हैं तो कमाते हैं, राइट. और मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं उन्होंने ये पुण्य कमाया है, राइट. सो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है. ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है. आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा. आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हैं, राइट. थ्रोट चक्रा ब्लॉक, आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक करने की कोशिश करी, या आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ खुद को, जाहिर ना कर पाएँ, क्योंकि इनको पता था कि आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है. आप लव और लाइट कैरी करते हैं, प्रेम आप कैरी करते हैं. आप चलते फिरते प्रेम हैं, ठीक है. आप यू आर फुल ऑफ लव, और जो कोई भी आपके अराउंड आता है ना, आप उसको प्यार ही देते हैं, है ना. तो आपके थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक किया, ताकि आप लोगों को यू नो ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, लोग आपको समझ ना पाएँ. कई सालों तक आपको ऐसा महसूस होता रहा कि आपको कोई सुनता ही नहीं है, कि आपकी बातों में दम ही नहीं है, ऐसा आपको फील कराया गया. लेकिन आपकी बातों में बहुत दम है, ठीक है. आपके पास वाणी सिद्धि है, ठीक है. ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं आपके पास जो साधारण किसी व्यक्ति में नहीं होती है, ठीक है. जो किसी तपस्वी के पास ही हो सकती है, जिसने बहुत सारी तपस्या वगैरह करी हो, जो बहुत ज़्यादा तपस्वी ध्यानी व्यक्ति हो, ठीक है. सो यस, आपके हार्ट चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया. इन लोगों ने बहुत सारे स्पेल वर्क्स करे हैं, या सो इन लोगों ने बहुत सारे स्पेल वर्क्स करे हैं, आपको टारगेट किया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करी है. लेकिन आपकी ऊर्जा ने भी इन लोगों को ना सही जवाब दिया है. इन लोगों के ऊपर जो आपकी ऊर्जा ने अटैक किया है ना, जो आपके स्पिरिट गाइड्स ने जो अटैक किया है इनके ऊपर, वो भी काबिले तारीफ है. और ये लोग ये सोच सोच कर हैरान है. एक्चुअली आपकी ऊर्जा को इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था, ठीक है. हो सकता है आप पास्ट में बहुत मासूम रहे हों, बहुत नाइव रहे हों, ठीक है. आपको इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता होगा. हो सकता है आप बहुत केयरिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर रहा है आपका, आप किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करते थे. तो उस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, उस अच्छाई का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ठीक है. गलत फ़ायदा उठाया, बिकॉज ये नकारात्मकता के पुजारी हैं, नेगेटिव एनर्जीज के पुजारी हैं. सो इसलिए इन्होंने आपको टारगेट किया. या लव योर वॉइस. सो आपका जो थ्रोट चक्र है ना, वो ईश्वर ने एक्टिव कर दिया है. आपके पास वाणी सिद्धि है. सारी जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी ना, उसको बैकफायर किया गया है. आपकी ऊर्जा को जो ट्रैप करने की कोशिश करी थी, ठीक है, उस ऊर्जा को अनब्लॉक किया है ईश्वर ने, है ना. आपकी ऊर्जा को अनब्लॉक कर दिया गया है. लव योर वॉइस. आपकी आवाज़ बहुत पसंद है किसी को, ठीक है. सम वन लव्स योर वॉइस. यहाँ से लेते हैं तो या डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्चर्स ऑफ. या सो कुछ फेक लोग हैं, वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, उनको दूर रखिए, ठीक है. उनसे कट ऑफ करिए. ये मैसेज आया है स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए, ये वाला. यू आर माई टाइप.
कोई आपसे ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, आप उनके जैसे हैं, यू आर माई टाइप, वो आपको अपने जैसा मानते हैं. यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर. या सो पास्ट में आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखा, लेकिन आप एक हीलर हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंस लोगों को हील करती है. सो पॉसिबल है कि आप किसी मीडिया फील्ड में हैं, तो आपको इस साल बहुत कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ठीक है, आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपके थ्रोट चक्र को अनब्लॉक कर दिया गया है. आई मिस यू व्हाइल आई एम गोइंग टू स्लीप. कोई आपको बहुत याद करता है, ठीक है, जब वो सोने जा रहे होते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं. योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली. सी, यस, वो लोग सीक्रेटली आपको वॉच करते हैं, जो आपके हेटर्स हैं ना. सो ध्यान दीजिए, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी सफलता पर आपको यू नो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, आपके यू नो खुशियों में आपके साथ नहीं रहे, आपकी खुशियों को देखकर जिन्होंने आपसे डिस्टेंस किया. या सो ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि ये वही लोग होते हैं जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, या आपकी खुशियों में खुश नहीं होते. ये हेटर्स होते हैं जो आपको इन्जॉय करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, जो आपके आगे सेकेंड बेस्ट फील करते हैं, लेकिन अब ये सेकेंड बेस्ट नहीं रहेंगे, अब ये लास्ट हो जाएंगे. ठीक है, जिस तरह की हरकतें इन लोगों की हैं, जो बार बार स्पेल वर्क्स करके आपके रास्ते में अड़चने क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये लोग. या स्पिरिट्स कह रहे हैं अब ये लोग सेकेंड बेस्ट भी नहीं रहेंगे, ये लास्ट हो जाएंगे. आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर. यस, सो कोई आपसे ये कहना चाह रहा है, या आप किसी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाह रहे हो. ठीक है, आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर. सो कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाह रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आया है. एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि ये जो साल है ना 2024, इस साल में यू नो किसी भी तरह का अगर स्पेल वर्क किया गया था पास्ट में, और स्पेल वर्क के द्वारा अगर किसी ने भी सफलता प्राप्त करी थी, ठीक है, सो वो सारे टोने टोटके जो स्पेल वर्क्स थे ना, वो सब ब्रेक हो चुके हैं. ये 2024 स्टार्ट होते ही वो सारे स्पेल वर्क्स गायब हो गए हैं. ठीक है, नल वॉइड हो गए हैं, बिकॉज ये जस्टिस का साल है. ठीक है, ये न्याय का साल है, और हम सब ये जानते भी हैं कि शनिदेव बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हैं. ठीक है, उनको न्याय बहुत ज़्यादा पसंद है. वो गलत तरह से कभी भी सफलता प्राप्त करे हुए लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं. वो मेहनत और ईमानदारी को अप्रिशिएट करते हैं, और इस साल जो कोई मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये भी उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है. ठीक है, ये स्पेशली शनिदेव की तरफ से ये मैसेज आपके लिए भेजा जा रहा है. ओके, ये स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं. सो लेट्स सी क्या लेटर्स आ रहे हैं आपके लिए. लेट्स शफल इट नाइसली. किस, ओके, यहाँ पे किस आया है, किस, किसी, क्यू, क्वीन, क्वीन कह रहा है कोई किसी को, या किसी का नेम है रानी. ओके, मल्टीप्लाई हो रही है आपकी ब्लेसिंग्स. ठीक है, नेवर एंडिंग ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं. आपके बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं. कुछ टीवी, कोई टीवी देख रहा है. नंबर सिक्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है. जून मंथ या सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है. सिक्स ऑफ सितंबर, नाइन्थ ऑफ जून, सिक्स जून, नाइन्थ जून, सिक्स सितंबर, नाइन्थ सितंबर, या ओके. कुछ पीसी पिक्चर, ओके, कुछ पिक्चर. बाइक, कुछ बाइक की बात हो रही है. बाइक्स, वेल्थ, विन, या आपकी जीत सुनिश्चित हुई है, एंड आपके पुण्यों का उदय हुआ है. ठीक है, इट्स अ विन फॉर यू, एंड आपकी तरफ वेल्थ आ रही है. ठीक है, अपार समृद्धि, धन, संपन्नता आपकी तरफ आ रही है. कुछ स्काई की बात हो रही है. स्काई, SKY, या स्की. ओके, कुछ टीबी की बात हो रही है. हो सकता है किसी को कोई डिजीज हो गई है, कुछ बीमारी वगैरह हो गई है किसी को. या
जीपीएस शक्ति, आई एम लिसनिंग शक्ति, या शक्ति, वेवी हेयर स्टाइल की बात हो रही है, किसी के हेयर स्टाइल, किसी के है वेवी हेयर है, या जिप्सी, राइट, वाइब, समथिंग अबाउट वाइब, किटी, एसपीजी आ रहा है, एसपीजी प्रोटेक्शन, या वीआईपी, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि कोई वीआईपी हैं, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है. टाइप, ओके, कवित नेम आ रहा है, कवित, कविता, कविता, राइट. स्पाई, ओके, कोई स्पाई करता है, कोई नजर रखता है आप पर, है ना, सीक्रेटली आपको वॉच करता है कोई. बी आई टी सी, ओके, ओ, विच, डब्ल्यू आई टी सी, एच मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन शायद स्पिरिट्स यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे. या सो कोई विच है जो विच क्राफ्ट करती है, ठीक है, टोने टोटके वगैरह करती है, तो वो स्पाई करती है आपको, ठीक है, उसका या नजर रखती है वो आप पर, ठीक है, कोई विच है, आप कह रहा हूँ. या सो कोई विच है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और वो आपको स्पाई करती है, ठीक है, आप पर नजर रखती है. कुछ बीपी आ रहा है, बीपी की शिकायत है, कुछ डिजीज की बात हो रही है, कुछ टीबी, बीपी, ऐसा कुछ आ रहा है. यहाँ सर्जरी, आई एम लिसनिंग, सर्जरी, या ओके, ट्वाइस, या कुछ ट्वाइस की बात हो रही है, ट्वाइस, ओके, आई एम लिसनिंग संजय, संजय नेम चैनलाइज हो रहा है यहाँ पे. सो नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 6 आपके लिए स्पेसिफिक है, या जून मंथ, सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है. 1996 बॉर्न हो सकते हैं आप, राइट, 1969 बॉर्न हो सकते हैं. सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, राइट. थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल.